नमस्कार मामा बच्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को पानी कब से स्टार्ट करना चाहिए, पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और कुछ बच्चे जो कि पानी नहीं पीते हैं उनके लिए हमें ऐसी क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिससे कि वो पानी पी सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेबी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों को पानी कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो जब बच्चा 6 महीने का कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही बच्चे को हमें पानी देना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, भले से ही बच्चा 6 महीने का नहीं हुआ है बट स्टिल वो पानी देना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चा 6 महीने का हो जाए उसके बाद ही आप पानी इंट्रोड्यूस करिए। 6 महीने से पहले पानी देना बच्चों के लिए अनसेफ क्यों है, अब इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बच्चा पानी का इंटेक ज़्यादा कर लेगा तो ऑब्वियसली उसकी टमी फुल हो जाएगी और वो ब्रेस्ट मिल्क लेने के लिए रेडी नहीं होगा, वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करेगी और ऑब्वियसली बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये एक मेन रीज़न है। अगर बच्चा 6 महीने का हो जाए उसके बाद ही आप पानी इंट्रोड्यूस करिए। इवन अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे है तो जितना भी उस फॉर्मूला मिल्क में जितना भी क्वांटिटी ऑफ वाटर मेंशन है उतना ही आप मिलाइए। एक्सेस वाटर से बच्चे ग्रो नहीं करेगा, तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिए। तो जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो एक बार अगर हम सॉलिड्स स्टार्ट कर देते हैं तो उस सॉलिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमें पानी देना जरूरी होता है। तो जैसे ही बच्चा 6 महीने का हुआ और आपने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो आप पानी बेशक दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें, ये हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो पानी ले रहा है वो प्रॉपर जितना उसकी बॉडी को ज़रूरत है वो है कि नहीं। तो इसके लिए आप बच्चे की यूरिन के कलर को देखिए। अगर वो लाइट येलो कलर का है मतलब आपका बच्चा प्रॉपर पानी ले रहा है, बट अगर डार्क येलो कलर की है तो बच्चे को पानी आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि पानी की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। जनरली पानी की जो क्वांटिटी होती है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। बच्चे की एज, बच्चे की एक्टिविटी, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और तीसरी चीज़ बच्चों की फूड की क्वांटिटी, कितना बच्चा खाना खा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे जो ज़्यादा खाना खाते हैं उनको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो स्टार्टिंग के 6 से 9 महीने का जो पीरियड होता है उसमें बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं, इतना नहीं खाते हैं, लाइक हाफ बाउल ही खा लिए तो बहुत ज़्यादा है। शुरू में बच्चे 1-2 स्पून ही खाता है, तो और उस समय बच्चा एक्टिव भी कम होता है। तो उस टाइम पे आप जैसे आपने 3 मील दिया, जब भी मील दिया आपने बच्चे को, उसके बाद आप 2-3 स्पून पानी दे दीजिए। वो उससे बच्चा इजिली लेगा और आपका बच्चे को पानी लेने की भी आदत पड़ेगी। बट जो 9 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उसमें बच्चा क्रॉलिंग करने लगते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, तो उस केस में आप पानी ज़्यादा दीजिए। वैसे जनरली जो बोला जाता है, जो एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है वो ये बोलता है कि 60 ml से 120 ml तक का पानी जो है वो बच्चे को लेना चाहिए। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपको प्लेन वाटर देना है। आप लेट्स से बच्चे को प्यूरी दे रहे हैं, दाल का पानी दे रहे हैं, या सूप दे रहे हैं, या खीर दे रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली पानी से ही बना होता है। तो आप प्लेन वाटर के साथ साथ आप इसको भी दे सकते हैं, तो इससे भी बच्चे की बॉडी में पानी जाएगा। अब बात करते हैं कि बच्चा पानी नहीं पी रहा है उसके लिए क्या करें। तो आप इसके लिए जो कि मैं अपने बच्ची के लिए अपनाती थी, आप इसके लिए ये करिए कि जैसे कि आपने लेट्स से बच्चे को एप्पल प्यूरी दी, बच्चे ने एप्पल प्यूरी खाई जितनी भी खाई, उसके बाद आप उस बाउल में पानी मिला लीजिए उसी बाउल में। तो उससे क्या होगा कि उस पानी में उस एप्पल प्यूरी का भी टेस्ट होगा, तो जिसकी वजह से बच्चे को इतना पता नहीं चलेगा कि ये पानी को या कुछ अलग टेस्ट का कोई चीज़ है, तो उसमें उसे एप्पल प्यूरी का ही टेस्ट आएगा। तो आप इस तरह से बच्चे को पानी दे सकते हैं कि आपने बाउल उसी सेम बाउल में मिक्स कर दिया वाटर को थोड़ा, और उसमें प्यूरी भी है, तो इससे बच्चा उसको जल्दी लेगा, आसानी से लेगा, और धीरे धीरे आप चेंज कर सकते हैं, फिर बच्चा अपने आप ही पानी लेने लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फटाफट इसे आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको जितनी भी बेबी रिलेटेड वीडियोस हैं उनका अपडेट आपको फटाफट मिल जाए। थैंक यू सो मच।